सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स विच तुहाडा स्वागत है। प्यारे बच्चों, दोहराई दी स्लडी विच अज असी जमात 11वीं दा पाठ तीजे दी दोहराई करांगे। प्यारे बच्चों, पाठ दा नाम है कॉन्सटेंट वेरीएबल्स अते डाटा टाइप्स। प्यारे बच्चों, दोहराई करदे होए बहुत ही ध्यान नाल तुसी कंसेप्ट्स नूं समझना है ताकि तुहानूं रट्टा मारन दी लोड़ ना पवे। ठीक है, चलो आओ हम दोहराई करिए। सब तो पहला बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहु पसंदी प्रश्न। तुहाडे कोल चार ऑप्शंस आणगीआं, उहदे विच प्रश्न दे मुताबिक कोई एक ऑप्शन सही होवेगी, उसनूं तुसी चुनना है। सो लेट स्टार्ट। सब तो पहली स्टेटमेंट है, इन्हां विचों केड़ी सी विच एक डाटा टाइप नहीं हुंदी। प्यारे बच्चों, तुसी डाटा टाइप जानदे हो की हुंदी है, तुसी पाठ विच पढ़ी सी। तुहाडे ऑप्शन हन कैर, सी एच ए आर, फ्लोट, लोंग, डबल। हुण तुसी इस सामने वाले टेबल दे वल देखो, ए डाटा टाइप्स दीआं किस्मां हन। तुसी डबल, बेटे इत्थे डबल मौजूद है, कैरेक्टर इत्थे कैरेक्टर भी मौजूद है, फ्लोट फ्लोट भी मौजूद है। तुसी देखोगे इत्थे लोंग नहीं है, है ना? ते इस विच केड़ी एक डाटा टाइप नहीं है, साडा प्रश्न सी उत्तर की है लोंग। वेरी गुड। सेकंड स्टेटमेंट है, इन्हां विचों केड़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। बच्चों, तुहानू पता है कि ऑपरेटर की हुंदा है, दो ऑपरेंड्स दे विच इक ऑपरेटर हुंदा है, है ना? ते ऑपरेटर दी किस्मां भी तुहानू पता है। इत्थे असी अरिथमेटिक ऑपरेटर दी गल कर रहे हैं। देखो हुण सेम उसी तरह तुहाडे कोल चार ऑप्शन हन। इत्थे प्लस दा निशान है, जमा दा निशान, एम्बरसेंट, इस निशान नूं बेटे एम्बरसेंट कहा जांदा है। ए परसेंटेज वाला साइन है, ए मल्टीप्लीकेशन वाला, देखण नूं स्टार वर्गा है पर ए मल्टीप्लीकेशन दा साइन है। ठीक है, ते हुण तुसी इत्थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दी लिस्ट देखो। इत्थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किन्ने हुंदे ने? पंज हुंदे ने। ते प्लस हैगा इत्थे एडिशन लई, एम्बरसेंट। तुसी देखो एम्बरसेंट तुहानूं इत्थे किते वी नजर नहीं आ रहा, है ना? ते एम्बरसेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ते इसका उत्तर की होया? एम्बरसेंट। ठीक है, जेड़ा एंड दा निशान है उन्हूं एम्बरसेंट कहा जांदा है। नेक्स्ट ऑपरेटर परसेंटेज, है ना? परसेंटेज दा निशान है नूं केड़े मुल उपर लागू किया जांदा है? परसेंटेज दा निशान देख रहे हो, ऑपरेटर परसेंटेज। ठीक है, ए परसेंटेज दा निशान हुंदा है मोडुलस दा, यानी मोडुलस ऑपरेटर नूं केड़े मुल्लां उपर लागू किया जा सकता है। फ्लोट वैल्यूज, डबल वैल्यूज, जां एह सारे। प्यारे बच्चो, जेड़ा मोडुलस ऑपरेटर है ना, ओह सिर्फ इंटीग्रल यानी इंटीजर ते लागू हुंदा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की है? इंटीग्रल वैल्यूज। निम्नलिखित विचों केड़ा मुल इंट दा सही पूर्ण अंक नहीं है? देखो इंट तुहानू इत्थे दिख रहा है, इंट। ठीक है, इहदा मुल हुंदा है -32768 तो लैके 32767। ठीक है, अगर असीं 16 बिट दी गल करिए तो साडे कोल ए रेंज है। हुण तुसी देखोगे ए भी इस रेंज आंदी है, जीरो भी आंदी है, अते ए लास्ट डिजिट भी आंदा है, पर ए नहीं आंदा। बी 32800 इस रेंज दे विच फिट नहीं हो रहा, ते इसदा उत्तर की होवेगा? 32800। प्यारे बच्चों, जदों भी तुसी बहु पसंदी प्रश्न करदे हो, ठीक है, उहदे नाल तुहानूं इक आंसर मिलदा है जिहड़ा कि उस स्टेटमेंट दा सही आंसर है, पर तुहानूं बाकी तीन ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं हन, ए पता होनियां भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जिवें इस प्रश्न दे विच तुहाडे कोल रेंज सीगी, तुसी इत्थे मैच कर ली, तुसी इस रेंज विच तुसी अपने डिजिट्स नूं मैच करके देखिया, जेड़ा डिजिट इत्थे सही नहीं सी ओह इसदा उत्तर सी
परिवर्तन रेंज मूल की हुंदा है। सेम जिवें आपां पिछे देख रहे सी है ना, ते असी देखिया सी कि परिवर्तन मूल की है, -32768 तो लैके 32767 तक, ठीक है। तो इसका उत्तर सानू इत्थे डायरेक्ट सी उत्तर है, सानू पता चल चुके है, ठीक है। इत्थे देखो ये थोड़ा जा उल्ट किया होया, ठीक है, ते इसका सही उत्तर है सी। इन्हां विचों केड़ा सी राखवां शब्द भाव रिजर्व वर्ड नहीं है, ठीक है। फॉर, गो टू, डी डबलू डू आते स्विच। आओ देखिए फोर नू लभन की कोशिश करो, ये सीधे कीवर्ड्स हैं। यस, फोर सानू लब गया, गो टू वी लब चुके है, स्विच वी लब चुके है, थोनों इतने डू वर्ड नहीं दिखेगा है ना। ते डी ओ डू अलग चीज है, डी डबल ओ डू अलग चीज है, ठीक है। तो इसका राखवा शब्द केड़ा नहीं है, डी डबल ओ डू। इन्हां विचों केड़े सी टोकन हुंदे हन, देखो सी टोकन तुहाडे सामने हन, कीवर्ड्स भी है, कॉन्सटेंट्स भी है, ऑपरेटर्स भी है, ये सारे के सारे ही टोकन हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी भाव हुंदा ऑल ऑफ दीज दा बेटे, ये सारे। इन्हां विचों केड़ा सी विच कीवर्ड नहीं है, सेम उसी तरह कॉन्सटेंट भी तुसी लभो, कॉन्सटेंट भी तुहानूं इत्थे मिल जाएगा। देखो साइज ऑफ वॉइड, पर तुहानूं इत्थे मेन नहीं मिलेगा क्योंकि मेन तां एक फंक्शन दा नाम है। सी विच दोहरे अर्थमैटिक ऑपरेटरां दी गिनती किन्नी हुंदी है, देखो एक दो तीन चार पांच, उत्तर है पांच। इन्हां विचों केड़ी वेरिएबल दा नाम गलत है, प्यारे बच्चों जदों आपां वेरिएबल्स लिखदे हां तां असीं हाइफन नहीं पा सकते, ठीक है, असीं अंडरस्कोर लिख सकते हैं बट हाइफन नहीं पा सकते, इसलिए तुसीं कैपिटल वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है, ते पर हाइफन नहीं पा सकते, इसलिए रोल नंबर हाइफन नंबर, रोल हाइफन नंबर गलत है। नेक्स्ट है साडे कोल बच्चों सही जां गलत। सब तो पहला वेरिएबल अजिही मात्रा है जिहड़ी प्रोग्राम दे लागू करन दौरान अपने मुल्लां नूं बदल लैंदे हन। वेरिएबल दा मतलब ही हुंदा है वेरी करना यानी बदलना, कॉन्स्टेंट दा मतलब है हमेशा एक समान रहना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वेरिएबल दा मतलब ही है बदल लेना, वेरी करना, बदलते रहना। नेक्स्ट है बेटे डेलीमीटर एक चिन्ह हुंदा है जिसकी वाक रचना अते महत्ता हुंदी है, यह सही है। एक कैर डाटा टाइप विच हमेशा एक बाइट हुंदा है, देखो तुहाडे कोल सामने पिक्चर है, कैर दे विच सिर्फ एक ही बाइट है, इसका मतलब की है ये सही है। जदों कि तुसी देखोगे जिहड़ा फ्लोट है उहदे विच चार बाइट्स हुंदे ने अते डबल विच एट बाइट्स हुंदे ने, है ना। फ्लोट दे विच तुसी देखोगे चार बाइट्स है अते डबल दे विच एट बाइट्स है, अते कैरेक्टर दे विच सिर्फ किन्ने बाइट्स ने बेटे, एक बाइट है, वेरी गुड। ऑपरेंड दा आकार एक डाटा टाइप है, यह सही है। सेमी कॉलन एक डिक्लेरेशन दा डेलिमीटर है, देखो तुहाडे सामने डिक्लेयर हो रही है स्टेटमेंट्स इत्थे, ठीक है। सेमी कॉलन दो स्टेटमेंट दे विच फर्क करता है, ठीक है, तो डेलिमीटर होया जे कि सही है। निम्नलिखित प्रश्न दे उत्तर दो, डेलिमीटर की हुंदा है, हुनी लास्ट असी सही गलत किया सी है ना, डेलिमीटर सेमी कॉलन एक डेलिमीटर है, हुन साडा प्रश्न है डेलिमीटर की हुंदा है। एक डेलिमीटर एक जां वधेरे अक्षर हो सकते हैं जो टेक्स्ट दियां स्ट्रिंगां नूं वक्त करदे हन, चाहे स्टेटमेंट्स हन है,
ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨੇਮਸ ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੌਮੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟ ਏ ਤੇ ਇੰਟ ਬੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮੇ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਸ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਸ ਸਲੈਸ਼ ਬੈਕ ਸਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹ 6 ਨੇ ਕੌਮਾ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਕੋਟਸ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਐਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ਯਾਨੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅੰਕ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੀ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀਵਰਡਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 31 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 31 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਰ ਇੰਟ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੈਰ ਇੰਟ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਡਬਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਇਲਰ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਾਈਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਟ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ 4, 5, 6 ਐਵੇਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਲੋਟ ਅਗਲਾ ਹੈ ਫਲੋਟ ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ